बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल बासित यूनुस SMIU के प्लेलिस्ट, स्पेशली मैथ्स के प्लेलिस्ट, इनके एक ऐसी वीडियो आपके सामने आज रखूंगा जिसको देखते हुए, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन इसको देखते हुए आप इंशाल्लाह पूरे पेपर जो है, मैथ्स का जो सेक्शन है उसको आप इजीली एक्स कर सकोगे। ठीक है, करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके अलावा इसकी के लिहाज से कुछ प्रैक्टिस पेपर हैं, वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, आपने वहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो सबसे पहला जो यहाँ सेक्शन है, पहला टॉपिक जिसे हम कहेंगे वो जो है प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के हवाले से होगा, कि प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि हर पेपर में या हर बच्चे के पास इसके दो या तीन सवाल लाजमी होंगे, अगर दो तीन नहीं तो एक तो लाजमी होगा ही होगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, दो तीन तो होते ही होते हैं, क्योंकि मेरे अपने पेपर में भी तीन से चार तरह के सवाल थे, ये मुझे याद है। सवाल किस तरह से होंगे, पहले सवाल को देख लेते हैं। एक जैसे तीन से चार सवाल मैंने ऐड किए हर टॉपिक के, इसमें से एक या दो मैं करा दूंगा, उसके बाद एक या दो आपके लिए रखेंगे जिसका जो है एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब करना क्या होगा, जो पहला सवाल है वो हमारे पास है, अ शॉपकीपर बॉट अ शर्ट फॉर $20। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने $20 की एक शर्ट खरीदी है एंड सोल्ड इट फॉर $30 और उससे आगे $30 का उसने बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, अगर उसे नुकसान फ़ायदा हुआ है तो कितना फ़ायदा हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो कितना नुकसान हुआ है, हमें परसेंटेज के हिसाब से बताना है। तो इसमें जो पहला काम है तो इसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ, पहले हमने क्या काम करना है, जो हमारे पास डेटा है हमें उसे देखना है। कॉस्ट प्राइस इसने दी है, यानी कि कितने की कीमत है, ख़रीद जो है वो क्या है, $20 है। डॉलर को साइड पर रखे, हम अपने रुपए के लिहाज से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉलर जो है काबू से बाहर होता जा रहा है, तो हम अपने रुपए के लिहाज से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डॉलर से भी बच्चे परेशान हो सकते हैं कि डॉलर है, डॉलर तो रुपये में कैसे होगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, $20 को आप ₹20 ही समझ लें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। $20 की कीमत है ख़रीद, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद $30 उसकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि $20 का उसने ख़रीद के आगे $30 का बेच दिया। अब प्रॉफिट का जो है वो हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेना, प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या था, $30, $30 का ख़रीदा था और $20 का बेचा, प्रॉफिट हमें कितना हुआ, $10 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। $20 का खरीद के हमने इसे $30 का जब हमें बेचा तो हमें यहाँ $10 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, उसके बाद ये तो प्रॉफिट हो गया डॉलर्स में, हमने इसका परसेंटेज निकाला है कितने परसेंट फ़ायदा हुआ। तो इसमें शॉर्टकट ये है कि 20 का इसने ख़रीदा था, ₹10 इसको फ़ायदा हुआ, तो 50% फ़ायदा ही हुआ होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा सवाल आया कि जिसमें कुछ कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हुई, तो आपने इसको अगेन फार्मूला से ही सॉल्व करना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का, कि आपने प्रॉफिट जो है उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर, इसको कॉस्ट प्राइस से जो है वो डिवाइड कर देना है। प्रॉफिट हमारा क्या था, $10, उसको हमने डिवाइड किया 20 से, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस था। 10 को 20 से डिवाइड किया, 1/2 आया, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। 1/2 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 50% जो है उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। यानी कि अगर हम ऐसे ही देख लेते हैं कि भाई $10 जो है इसको प्रॉफिट हुआ है, तो $10 जो कीमत ख़रीद है उसके लिहाज से $10 कीमत ख़रीद का 50% ही बन रहा था, क्योंकि 20 का 50% कितना होगा, 10। ठीक है, तो ये 50% ही बन रहा था, लेकिन सॉल्व करना बेहतर रहेगा ताकि आपका जो है एक्चुअल आंसर आपके सामने आए, आपको शक ना हो। उसके बाद दूसरा सवाल है, सवाल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ पहले। सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि फाइंड अ वेंडर अबाउट अ बॉक्स, पहले हाईलाइट कर देते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। वेंडर बाउट अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स फॉर $40। एक वेंडर है, उसने एप्पल का एक बॉक्स जो है वो ख़रीदा $40 में एंड सोल्ड इट फॉर $30 और उसको $30 का बेचा। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, आपने बताना कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, या अगर लॉस हुआ है तो कितने परसेंट लॉस हुआ है। मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ, ज़रा इसे नीचे कर लेते हैं।
हो गया। यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर देते हैं, ताकि एक सवाल पे एक पेज पे आपके दो क्वेश्चन आए और इजीली समझ पे आ सके। ठीक है, जैसे मैंने अपने लिहाज से सॉल्व किया था, तो यहाँ इसको नीचे कर देते हैं। तो सवाल क्या है, वेंडर बॉट अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स फॉर $40। एक वेंडर यानी कि एक ताजिर है, या वेंडर ताजिर सपोज ताजिर है, एप्पल का सप्लायर है, उसने एक जो है $40 में एप्पल का बॉक्स ख़रीदा और उसे 50 सेल किया $30 में। मैं ये बताना है कि इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ तो कितने परसेंट लॉस हुआ। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है आपको याद होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरह अब हम देख रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो अगर उसने $40 का ख़रीदा है और $30 का बेचा है तो लाजमी उसे लॉस ही हुआ होगा। तो लॉस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा लॉस का जो है लॉस हमें पता चल जाएगा कितना हमें लॉस हुआ है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ये जो एप्पल का बॉक्स है वैसे कितने में पड़ा, $40 में पड़ा। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है, उसने बेचा कितने का, $30 का उसने बेचा। उसके बाद हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं कि भाई लॉस का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस का फार्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि 40 उसमें से माइनस किया 30 सेलिंग प्राइस को, तो हमारे पास अगेन $10 बचे, $10 बचे। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, हमें परसेंटेज के हिसाब से मालूम करना है कि इससे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अब 40 का 10 जो है ये तो बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे 25 होता है लेकिन हर किसी को इस तरह समझ नहीं आता। तो हम परसेंटेज के हिसाब से बात करते, तो पहले हमने क्या किया था, प्रॉफिट को डिवाइड किया था कॉस्ट प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम लॉस को जो है वो डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 100 से। लॉस हमें कितना हुआ, सेम काम ये फॉर्मूला जो है, लॉस हमें कितना हुआ था, लॉस हमें हुआ था $10 का, $10 को हमने डिवाइड किया 40 से, ठीक है तो 10 बाय। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंस होगा, सेम ही मेथड सेम है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ऐसे है क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा लॉजिक यूज़ हो रहा है। लॉजिक क्या, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ वेंडर बाउट 50 kg ऑफ राइस एट $4 पर kg। एक जो वेंडर है ताजिर है, उसने $50 जो है ये राइस यानी कि चावल खरीदे किस रेट पर, $4 के हिसाब से, यानी कि उसने 50 किलो खरीदे 4 रुपये के हिसाब से। ही सोल्ड 30 kg एट $5। उसने उसमें से 50 किलो में से 30 किलो जो है वो 5 रुपये के हिसाब से बेचे, डॉलर कटा के हम रुपये की बात कर लेते हैं। उसने 30 किलो जो है वो 5 रुपये के हिसाब से बेचे और बाकी के जो है चावल बचे है वो 3 रुपये के हिसाब से बेचे, बाकी 50 में से 30 निकालो तो 20 बेचे, 20 किलो जो है उसने 3 रुपये के हिसाब से बेचे। हमें बताना है कि उसको टोटल ऐसा करने पर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, अगर फ़ायदा हुआ तो कितना हुआ, अगर नुकसान हुआ तो कितना हुआ। ठीक है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, कितने डॉलर फायदा, क्योंकि डॉलर में इसने कारोबार किया तो कितने डॉलर फ़ायदा हुआ है, कितने डॉलर नुकसान हुआ, हमें ये बताना है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, दोबारा हम इसका डाटा बनाएंगे कि भाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस अब हमें कैसे पता चलेगा, उसने तो ये नहीं बताया कि क्या की, लेकिन इसने ये बता दिया कि 50 किलो ख़रीदा 4 किलो के हिसाब से। तो हम कॉस्ट प्राइस को किस तरह करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि भाई 50 किलो है, 4 किलो के हिसाब से ख़रीदा है, तो हम 50 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 200 आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 200। अब अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, यानी कि कीमतें ख़रीद तो उसे $200 आई, लेकिन अब सेलिंग प्राइस क्या है, दो है हमारे पास, एक क्या है उसने $5 के हिसाब से बेचा और दूसरा क्या है उसने $3 के हिसाब से बेचा। तो पहले हम $4 वाला कर लेते हैं, ये $5 वाला सॉरी कर लेते हैं कि अगर उसने $5 के हिसाब से 30 किलो चावल बेचे हैं तो कितने हैं। तो सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास, पहली सेलिंग प्राइस है 30 किलो चावल बेचने की $5 के हिसाब से, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 5,
30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 150। तो ये आ गया आपका जो है 30 किलो चावल की कीमत जो है 150 आ गई सेलिंग प्राइस, यानी कि उसने 30 किलो जो है $150 के बेचे। उसके बाद उसने 20 किलो जो है $3 के हिसाब से भी बेचे, यानी कि 50 में से 30 किलो अगर उसने 5 के हिसाब से बेचे और बाकी जो 20 किलो बचे वो उसने ₹3 के हिसाब से बेचे। अब हम 20 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। जब हम 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, 20 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो $60 आ गया हमारे पास आंसर। अब हमें जो है टोटल सेलिंग प्राइस पता करनी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास आ गई, सेलिंग प्राइस पता होगा तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो टोटल सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड कर देंगे, 150 प्लस 60 $210 हमारे पास जो है इसका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। टोटल सेलिंग प्राइस, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कौन सा अच्छा है ये डाल देते हैं, $210 हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। अब उसके बाद कि भाई प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये जो है प्रॉफिट और लॉस उसका $10 निकला। अब उसके बाद जो है अगली चीज़ हमें देखनी है वो हम देख लेते हैं कि परसेंटेज के हवाले से ही है। तो परसेंटेज के हवाले से पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, व्हाट इज 20% ऑफ 80, यानी कि ₹80 का 20, लेट सपोज मेरे पास ₹80 हैं, उसका 20% क्या होगा, उस ₹80 का 20% क्या होगा हमने ये बताना है। तो पहले अपने क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में। व्हाट इज 20% ऑफ 80, ठीक है, 80 का 20% क्या होगा। तो जहाँ पे परसेंटेज का लफ्ज आ जाए तो मतलब आपने ये समझ लेना है कि डिवाइड बाय 100, ठीक है, ऐसे सवालों में आपने ये समझ लेना है यहाँ पे डिवाइड बाय 100 ही आएगा जब भी परसेंटेज का लफ्ज आ जाए। तो 20% है, 20 के साथ परसेंटेज लगा तो 20 को 100 से डिवाइड करा दो, सिंपल इजी जो तरीका है, 20 को आप 100 से डिवाइड करा दो। उसके बाद फिर मैंने अपने तरीके से किया है, थोड़ा सा आपको लिखा हुआ यहाँ पे भी सेम ही है, 20 को आपने 100 से डिवाइड करा देना है, 20 को जब आप 100 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास 0.20 आएगा, 0.20 को मल्टीप्लाई करा दो 80 से, जो आपको गिवन है 80 है 90 है जो भी है उससे मल्टीप्लाई करा दो, जब आप उससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि भाई ट्वेंटी को हम करा देते हैं, मामू ये तो ताकि 20 को हम डिवाइड करा देते हैं 100 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आपके पास जो है 20 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड कराओगे तो 0.20 आएगा, उसको 80 से मल्टीप्लाई कराओगे 16, तो 20 का 80 का 20% जो है वो 16 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल आपके पास है, इफ़ अ स्टोर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ शर्ट फ्रॉम 40 टू $30, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि अगर एक स्टोर है उसने अपने प्राइस, एक शर्ट है उसकी प्राइस $40 से $30 कर दिए, तो कितना परसेंट जो है उसने अपनी प्राइस डिक्रीज की। तो हमने जो है परसेंटेज के हिसाब से ही बताना है अगेन। तो हमारा तरीक़ेकार क्या होगा, दोबारा से क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है नज़र आ जाए कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो फिर हमने करना क्या है, इसमें पहले आपने ये देखना है कि भाई कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट ओरिजिनल प्राइस जो है उसका थोड़ा सा डाटा बनाना है। ओरिजिनल प्राइस क्या है, $40, ठीक है, उसमें से डिक्रीज करके कितना किया, $30, उसको आपने क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस को माइनस कर दो न्यू प्राइस से, ठीक है, फिर उससे डिवाइड करा दो अगेन ओरिजिनल प्राइस से,
और मल्टीप्लाई करा दो हंड्रेड से, क्योंकि परसेंटेज बताना है, तो आपने हंड्रेड से मल्टीप्लाई करा दें। क्या फार्मूला से क्या है, ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस में से न्यू प्राइस को आपने माइनस करा देना। ओरिजिनल प्राइस में से जब आप न्यू प्राइस को माइनस करा दोगे, 40 में से 30 जब माइनस करा दोगे, ठीक है, तो 10 बचेंगे। उस 10 को 40 में से 30 माइनस कराए तो यहाँ हमारे पास कितने बचे, 10। मैं 10 को हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ बचे 10, ठीक है। वो आपने इस 10 को जो है डिवाइड करा देना है 40 से, 10 को 40 से डिवाइड करा, जो ओरिजिनल प्राइस है उसी से डिवाइड कराया और मल्टीप्लाई करा दिया 100 से। 10 को 40 से डिवाइड कराओ, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.4 सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कराओ 100 से, तो 25 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगला जो सवाल है हमारे पास, वो टॉपिक जो है वो रेशो का है। रेशो में क्या है, अ रेसिपी रिक्वायर्स मिक्सिंग शुगर एंड फ्लोर इन द रेशो ऑफ 3:7। 3:7 का जो है एक रेसिपी है जिसे शुगर और फ्लोर को मिक्स किया है। हाउ मच शुगर इज नीडेड इफ यू यूज 350 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, मतलब कि अगर 350 ग्राम आटा है, फ्लोर है, तो आप इस रेसिपी में, इस मिक्सचर में कितना शुगर ऐड करेंगे, ठीक है। अब करना है कि आपने पहले ये ले लेना है कि भाई 350 ग्राम जो है वो फ्लोर है। जाहिर सी बात है, अगर आप फ्लोर और शुगर का रेसिपी बनाओगे तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप आटा जो है ज़्यादा उसमें डालोगे, चीनी, तो हम 60 टाइम्स जो है, मतलब कि जो ज़्यादा मिकदार है वो उसमें आटे को कंसिडर कर लेते हैं और जो कम है वो उसको चीनी को कंसिडर कर लेते हैं। हम कह रहे थे कि भाई चीनी जो है वो 3x है, अमाउंट ऑफ चीनी 3x है, और यहाँ x जो है वो कॉमन फैक्टर रहेगा रेशो का हमेशा, ठीक है। तो शुगर शुगर से फ्लोर का जो रेशो बनेगा वो 3:7 बनेगा, ठीक है। 3 टाइम्स शुगर और 4 टाइम्स फ्लोर, तो अब जो 7 टाइम्स फ्लोर सॉरी, तो जो 350 है, जो आटे की क्वांटिटी है, फ्लोर की क्वांटिटी है 350 ग्राम, जो 350 ग्राम फ्लोर की क्वांटिटी है, हमने इसको जो है, इसके रेशो जो हमने कंसिडर किया था कि 7 जो है आटे के लिए कंसिडर किए, तो इस 7 से इसको हम डिवाइड करा देंगे। जब 350 को आप 7 से डिवाइड करा दोगे तो आएगा 50, ठीक है। 7 1 7, 7 5 35, 0 का 0 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। अब जो है 50 आ गया, अब जो आपका शुगर है, शुगर के जो रेशो है 3 है, तो आपने इस 50 को जो है उस 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देना, 50 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 टाइम्स हमने शुगर लिया, तो इस 50 को आपने 3 के साथ जब मल्टीप्लाई कराओगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 50, तो इसका आंसर जो है आपके पास 150 ग्राम्स आ जाएगा। आपने जो है थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग यूज़ करना है, किस तरह स्टेप्स को लेके चलना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना जो है इसमें मेन फैक्टर है। अगर आपने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया तो मतलब आपके सवाल समझ में आए। जब तक आप क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे, आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। कोई भी पेपर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन ना हो, भले कोई भी मसला हो, अगर आपकी रियल लाइफ में भी कोई मसला है, तो आप पहले उसको एनालाइज करो कि ये है क्या, ठीक है, हो क्या रहा है, क्या कहना क्या चाहता है। अगर आपने उसको एनालाइज कर लिया तो सॉल्यूशन में आपको इंशाल्लाह मदद मिलेगी। अगला जो है आपके पास टॉपिक जो है वो सेट्स का है। अगर आप सेट्स को डिटेल में जो है देखना चाहते हैं मज़ीद, तो इसी प्लेलिस्ट में जो है एक सेट्स की वीडियो है स्टार्टिंग में, मतलब कि जो आप नीचे जाएंगे लास्ट में 4th या 5th नंबर पर आपको सेट्स की वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो आपने वहाँ से सेट्स को देख लेना, तो आपका सेट्स का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो आप पहले इसको देख लें और फिर डिटेल में पढ़ने के लिए आप उसको भी लाजमी चेक कर लें। क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट ए आपको दिया है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, और सेट बी भी दिया है एक जिसके एलिमेंट हैं 3 4 एंड 5। फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, ए और बी का यूनियन मालूम करना है। यूनियन का जो है लफ्जी मतलब होता है मुतहद करना या जमा करना, मुतहद करना यूनियन का जो है वो लफ्ज़ ही मतलब होता है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को देखना है, इन दोनों में जो है इन दोनों को तरतीब से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखें 1 2 3 और 3 4 5, हमारे जो नंबर्स हैं उनमें सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है, तो मैं ए से 1 लेके यहाँ लिख दूँ, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, इन दोनों में से कहीं 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ से मैं इस 2 को सेलेक्ट करके यहाँ लिख दूँगा। उसके बाद काउंटिंग में हमारे पास 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है,
तो थ्री इन दोनों में से कहीं है, दोनों जगह पे है, तो आप कोई भी एक लेके यहाँ लिख दो। मैं यहाँ से थ्री लेके यहाँ पे लिख देता हूँ। थ्री के बाद इन दोनों में आपके पास कहीं फोर है, फोर है, तो मैंने यहाँ से फोर को लेके यहाँ लिख दिया। और उसके बाद फोर के बाद क्या आता है हमारे पास, फाइव। इन दोनों में कहीं फाइव है, तो फाइव है, फाइव को मैंने यहाँ सेलेक्ट करके। ये यूनियन का बस सिंपल ही है, आपने तरतीब से देखना है और कोई इसमें कोई। उसके बाद क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर टू है सेट्स में, कि भाई लेट एक्स इज इक्वल टू सेट एक्स जो है आपको, एक्स जो है एक सेट है जिसका नाम, जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और एक सेट दिया है वाई जिसके एलिमेंट्स है डी सी डी ई एफ। तो आपने क्या करना है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स बताना। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, अगर यूनियन उन इंटरसेक्शन के जो है सिंबल भी हैं, यूनियन का सिंबल देखें यू टाइप का है और इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन का लफ्ज़ आ जाए या ये सिंबल आ जाए तो मतलब दोनों का सेम ही, आपने काम सेम ही करना। अगर यूनियन का सिंबल आ जाए या तो फिर यू का यू का सिंबल आ जाए या तो फिर लफ्ज़ यूनियन आ जाए, तभी आपने सेम ही काम, ठीक है। यहाँ पे हमें लफ्ज़ इंटरसेक्शन दिया है, इंटरसेक्शन निकालना है दो सेट्स का, एक्स और वाई का। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स, दोनों सेट्स को आपने देखना है, उनमें जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आपका आंसर होगा, ठीक है। दोनों में सेम क्या चीज़ है, ए यहाँ है यहाँ नहीं है, बी यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ भी है और यहाँ भी है। पहला जो हमारा एलिमेंट सेम है वो होगा सी, हम यहाँ पे सी को हाईलाइट कर रहे थे कि भाई सी जो है हमारा पहला सेम एलिमेंट होगा। उसके बाद चेक करना है डी यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, डी को हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर भी है। अब दूसरे जाने में हमारे एलिमेंट्स जो है सेट एक्स में हमारे एलिमेंट्स खत्म होगा, तो मतलब कोई कॉमन और होगा नहीं, और तो कुछ सेम होगा नहीं, तो हमने जो है सी और डी हमारा आंसर होगा कि सी और डी इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि सेम एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाए मतलब आपने सेम एलिमेंट्स बताने दोनों सेट्स में, ठीक है। अब उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या करना है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आप जो है अगर इसको सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जो है वो वीडियो विजिट कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कॉम्प्लीमेंट में करते क्या, कॉम्प्लीमेंट में आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना होता है। आपको कुछ सेट दिए होंगे, आपने इसको जो सेट जो है उसको यूनिवर्सल में से माइनस करा देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके एक दो सवाल लाजमी आते हैं, एक सवाल तो लाजमी आएगा ही आएगा आपके पास, वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन में आपने करना क्या है, जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। पहला ना सॉल्व द लीनियर इक्वेशन आ जाए, या अगर ये चीज़ आपके पास मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ ना हो, क्वेश्चन सिर्फ जो है इस फॉर्म में हो, तब भी आपने काम सेम ही करना है, ठीक है। काम क्या करना है कि भाई आपने इसको x, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल में से x की वैल्यू निकालनी है, या आएगा फाइंड द x, या फाइंड द अननोन, या सॉल्व फॉर x, कुछ भी आ सकता है, या सिर्फ इस सवाल गिवन होगा तो आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले x को, x वाली जो टर्म है उसको अलग कर देंगे, मतलब कि यहाँ से 3x को अलग रखना है। 3x हमारे इक्वल के x जो है वो 3x के अलावा जितने जो हमारे टर्म्स होंगे उनको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। अब यहाँ देखें 3x के साथ 5 प्लस हो रहा है, हम इस 5 को जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अगले स्टेप में हम इस 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ आ गया, ये हो गया माइनस का 5, सॉरी दूसरी तरफ आ गया माइनस का 5 हो गया। अब 14 में से आपने 5 माइनस करना, 3x तो एज इट इज आएगा, 3x को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 3x इज इक्वल टू 14 में से आपने 5 माइनस करना है, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे। तो आपने करना कि x की वैल्यू निकालनी है, ये 3x है, x को यहीं रहने दो, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, नीचे x को यहीं रहने दूंगा, ठीक है, 9x इक्वल टू
नाइन थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके नाइन के साथ डिवाइड हो जाएगा। नाइन को मैं डिवाइड करा दूंगा थ्री के साथ, ठीक है। हाँ स्पेस आ गया, नाइन को डिवाइड करा देंगे थ्री से, ठीक है। जब आप थ्री से नाइन को डिवाइड करा देंगे, थ्री के टेबल वन तक पढ़ेंगे तो थ्री आएगा, और थ्री के टेबल थ्री तक पढ़ेंगे तो नाइन आ जाएगा। तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स इक्वल टू थ्री रह जाए, ठीक है। ये एक्स इक्वल टू थ्री आपका आंसर होगा। अब सेम इसी तरह से कोई दूसरा सवाल भी आपके पास आ सकता है लीनियर इक्वेशन का। सेम आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशन का दूसरा सवाल इस तरह आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, या इसको हटा के सिर्फ आपके पास ये आ जाए, इसको हटा के सिर्फ ये आ जाए, तब भी काम आपने जो है वो सेम ही करना है, आपने वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने पिछले सवाल में किया था वाई की वैल्यू निकाली थी, एक्स की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे आपने जो है वो वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो है आपने वो वाई की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तरीकेकार क्या है कि भाई वाई के अलावा जितने टर्म्स उनको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। अब यहाँ पे जो है टू वाई, ठीक है, इसके साथ माइनस का एट है, माइनस का एट दूसरी तरफ जाके टेन के साथ प्लस का एट हो जाए, ठीक है। अब टू वाई इज इक्वल टू टेन प्लस एट, टेन प्लस एट हमारे हो जाएंगे अठारह, तो ये आ जाएगा अठारह, टू वाई इज इक्वल टू एटीन। जब हमने वाई की वैल्यू निकालनी है तो नीचे आके हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू एटीन, टू यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एटीन के साथ डिवाइड हो जाएगा, एटीन बाय टू, ठीक है। अब वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, टू का टेबल वन तक पढ़ेंगे तो टू आएगा, टू का टेबल नाइन तक पढ़ेंगे तो एटीन आएगा, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू नाइन आपका आंसर होगा। तो लीनियर इक्वेशन में मोस्टली इसी तरह के आपके पास सवाल आ सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में आपके पास मोस्टली इसी तरह के सवाल आ सकते हैं। या एक सवाल मैं और आपको आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के लिए, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, ज़्यादा नहीं, ऐसे इसी तरह के सवाल आएंगे, वो भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है, ताकि आपको आसानी हो। तो अगला सवाल जो है लीनियर इक्वेशन में आपके लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जो है इसे हट कर इस तरह से इसको आपने थोड़ा सा पहले मल्टीप्लाई वगैरह कराना है, उसके बाद आपने सॉल्व करना। यहाँ पे क्या है कि बी के लिए आपको इसने आपने इसको सॉल्व करना है, बी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ पे अननोन ए की है वो है बी, तो आपको आपने जो है इसको बी के लिए सॉल्व करना है, यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है। करना क्या होगा, पहले इसको एक प्रॉपर इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन तभी भी है लेकिन इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे स्टार्ट करते हैं, इस थ्री को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है, थ्री को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, फिर माइनस, फिर थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई कराएं। तो थ्री को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा, थ्री बी माइनस का साइन, ठीक है, स्पेस लगा देते हैं, थ्री बी माइनस का साइन। उसके बाद जब इस थ्री को हम टू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री टू ज़ार सिक्स, ठीक है। तो थ्री बी माइनस सिक्स हो गया, और ऊपर से प्लस का फोर इज इक्वल टू थर्टीन एज इट इज़ आ जाएगा, और ऊपर से प्लस का फोर इज इक्वल टू थर्टीन एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, माइनस का सिक्स और प्लस का फोर इन दोनों को इक्वल के दूसरे तरफ शिफ्ट करना है, आपकी मर्ज़ी, आप पहले सॉल्व करें या बाद में करें शिफ्ट करें। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, थ्री बी तो एज इट इज़ ही आएगा, थ्री बी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, थ्री बी को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, थ्री बी, ठीक है। अब ये माइनस और प्लस,